हेलो विल स्टडी अबाउटिक्लाट्स अबाउट द्लानी प्लांट ओकेट स्टार्ट प्लांट डेट ग्रो इन वाटर आर कल एक्टिक प्लाट्स प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं हम लोग एक्वेटिक प्लांट अमंग्लोट इन वॉटर वाइल अदर ग्रो कम्पलीट अंडर वाटर इनमें से कुछ पानी में फ्लोट होते हैं और कुछ एकदम अंडर वाटर ग्रो होते हैं नाउ ना विल सी दी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एक्टिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स फिक्स्ड प्लांट्स अंडर वाटर प्लांट्स फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फ्लोटिंग प्लांट्स व्हाट आर द्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स दिस प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर ईदर लाइट और स्मॉल इन साइज एग्जाम्पल डकवीट एंड दी वॉटर लेटस एक्सेट्रा फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जो इजीली फ्लोट कर सके वाटर में इजीली वही प्लांट्स फ्लोट कर सकते हैं जो वेट में लाइट हो और जो साइज़ में स्मॉल हो क्योंकि अगर वो साइज़ में लॉन्ग हो गए और हैवी हो गए तो वो पानी में फ्लोट नहीं कर पाएंगे हम सब ने देखा है अगर हम स्टोन को फेंकेंगे तो वो पानी के अंदर चल जाए अगर अपन प्लास्टिक की पॉलिथिन फेंकेंगे तो वो ईजिली फ्लोट कर पाएगी क्योंकि वो लाइट और स्मॉल लाइट होती है वेट में इसलिए और स्टोन एकदम हैवी होता है वेट में फॉर एग्जाम्पल डकविड एंड दी वाटर लेटर्स डक्विड and water lettuce are the floating plants now we'll study about the fixed plants what are the fixed plants some plants are fixed to the bed of the pond सम प्लांट्स मतलब कुछ प्लांट एकदम पॉन्ड में एकदम फिक्स्ड होते हैं बेड एकदम फिक्स्ड होता है ना वैसे हमने एग्जांपल देखा है बेड ऑफ द पॉन्ड यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स लाइक द लोटस एंड द वाटर लिली हम सब ने लोटस और वाटर लिली तो देखा ही लोटस और वाटर लिली फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं

plants like hydrilla, tap water and pond weed remain under water. plants like hydrilla, tap water, pond weed ये सब पानी के अंदर ही रहते हैं, ये सब पानी के अंदर ही grow करते हैं दिस प्लांट्स अब लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो होती है लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स होती है दिस प्लांट्स ब्रीथ ब्रीथ थ्रू द बॉडी ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी से ब्रीथ करते हैं द प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाईऑक्साइड ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को क्लीन करते हैं कैसे बाय रिमूविंग द कार्बन डाईऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बीथ आउट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक द फिश एंड द टर्टल्स दिस इज वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम इसलिए हम लोग हाइड्रिला टैप वाटर और पॉन्ड बीट को एक्वेरियम में रखते हैं एक्वेरियम में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अंडर वाटर ग्राउंड होते हैं और ये एक्वेरियम में फिश और जो टर्टल्स होते हैं उनका वाटर क्लीन करते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड ओके थैंक यू